नमस्कार। टॉपिक ऑन डिमांड में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पे लेके आए वो है आपका पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या। इस पर बहुत ज़्यादा डिमांड आपकी आ रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों एक हैं या अलग? अक्सर हम इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एक तो आपका पॉइंट है कि जब इसकी इंग्लिश अलग है तो ये दोनों अलग होंगे, लेकिन ये अलग नहीं है। जैसे आप कहते हैं मापन अलग मूल्यांकन अलग, वो नहीं, अलग नहीं है। वो एक दूसरे का पार्ट होता है और एक दूसरे दूसरा पहले का संपूर्ण होता है। तो यहाँ पे जो पाठ्यक्रम होता है, अब पाठ्य का क्रम, क्रम मतलब 1 2 3, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि हमें क्या करना है, इन इन पॉइंट को इस क्रम में हमको क्या करना है, स्टडी करानी है। किसके बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है? जो आपकी फैकल्टी होती है जैसे टीचर्स, और किनके बीच? स्टूडेंट। जो आपके शिक्षक या जो आपके पूरे मानवीय संसाधन है विद्यालय के, और जो आपके स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके बीच का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको पूर्ण करने के लिए हम बाध्य होते हैं। इसमें दो टर्म आपका होगा, एक आपका होगा प्रतिबद्धता और दूसरा क्या है, जवाबदेही। तो यहाँ पे आपके कोठारी कमीशन ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, आपके 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें ये सब चीज़ें कही गई। जनरली अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम मतलब एक आपका क्या होता है, एक ढांचा होता है जो आपको स्टडी करना है। कोर्स आपका जो स्टडी के लिए बना है, कोर्स ऑफ स्टडी जो आपके होते हैं वो उसको पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसे पाठ्यक्रम तो हमने जान लिया कि एक कंस्ट्रक्ट है जिसको हमको स्टडी करना है, और इस पर क्या होते हैं, प्रतिबद्धता एवं जवाबदेही होती है। अब हम पाठ्यचर्या की बात करेंगे तो इसमें हम देखें तो क्या होगा, विषय वस्तु जो हमको पढ़ना है, अर्थात पाठ्यक्रम क्या है, एक विषय वस्तु है जिस चीज़ की हमको स्टडी करनी है। एक क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है जिसको हमें निर्धारित समय में पूरा करना होता है। जैसे एक साल का कोर्स है, 6 महीने का, सेमेस्टर वाइज है, तो सबका देखेंगे अलग अलग आपका सिलेबस आएगा। सिलेबस क्या होता है, प्रिंटेड होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रिंटेड मटेरियल। टेक्निकल होता है, तकनीकी रूप से। यहाँ पे देख रहे हैं आप ऐसी चीज़ें जो आपके प्रिंट में हो, जो किसी पॉलिसी मेकर ने बनाई हो, पॉलिसी मेकर जिसके पास ये अधिकार हो कि आप पाठ्यक्रम बना सकते, तो वो क्या करता है, एक आपका कोर्स ऑफ स्टडी बनाता है जिसको हमें अध्ययन करना होता है। इसे कहते हैं सिलेबस या पाठ्यक्रम। अब हम बात करेंगे पाठ्यचर्या की। तो यहाँ आपने देखा कि पाठ्यक्रम क्या है, एक कोर्स ऑफ स्टडी है जो पॉइंट वाइज क्रम में होता है और हमको एक निश्चित समय में इसको पूरा करना है। और जो क्यूरिकुलम होता है, पाठ्यचर्या, इसी का ब्रॉड रूप है। इसमें आपका क्या हुआ, सिलेबस, ठीक है। तो इसमें पाठ्य वस्तु आप लिख सकते हैं, पाठ्य वस्तु, ठीक है, या विषय वस्तु। अगर इस पाठ्य वस्तु के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे गेमिंग हुआ, योगा हुआ, एनएसएस हुआ, एनसीसी हुआ, प्रोजेक्ट्स दिया जाता है, बाकी चीज़ें जो हम और इंक्लूड करते हैं जो एटमॉस्फेयर में, वो सारी चीज़ें भी जुड़ जाएं, तो यही हो गई आपकी क्या, पाठ्यचर्या। अर्थात पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्या आता है, आपका पाठ्यक्रम। उसी पाठ्यचर्या में जो आपके प्रिंटेड मटेरियल होते हैं जिसको हमें एक निर्धारित समय में पूरा करना होता है, वही आपका पाठ्यक्रम होता है। और उसी में अगर अन्य क्रियाएं भी जोड़ दें जो विद्यालय से संबंधित होती हैं, जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को, अधिगम अनुभव को बढ़ाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पाठ्यचर्या में रखेंगे। अब हम ध्यान देंगे पाठ्यचर्या शब्द सबसे पहले यूज़ कब हुआ, 1576 में ये सबसे पहले यूज़ हुआ। और इसका जो लैटिन शब्द जिससे ये उत्पत्त हुआ, उसका जो अर्थ है वो है रेस। तो क्या है, एक प्रकार की ये रेस है। तो इसको आप कह सकते हैं जैसा कि दौड़ का मैदान। अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से आपको चल के यहाँ तक पहुँचना है। इसकी क्या कंडीशन है, निर्धारित समय में। निर्धारित समय में आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव बने होंगे, उद्देश्य बने होंगे, उसको आपको पूरा करना है। तो क्या कह सकते हैं, पाठ्य
चर्या के अंतर्गत ही पाठ्यक्रम आता है, जिसमें आपके प्रिंटेड चीज़ें होती हैं जो किसी पॉलिसी मेकर ने बनाई होती है कि आपको ये निश्चित समय में ये चीज़ें बच्चों को सिखानी। वो लिखित जो आपका प्रिंट जो मटेरियल होता है वो आपका सिलेबस होता है, इसके साथ अन्य चीज़ें मतलब नॉन प्रिंटेड जोड़ दीजिए, एक्सपीरियंस जोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें जोड़ दीजिए, तो वो आपका पूरा क्या हो जाएगा, पाठ्यचर्या। तो ये मुख्य डिफरेंस हुआ आपका पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में, जिसको जानने की आपको ज़रूरत है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो पाठ्यचर्या थोड़ा विस्तृत है, मतलब पाठ्यक्रम उसके अंतर है तो छोटा है, जैसे मापन छोटा था मूल्यांकन बड़ा था, तो उसी ऐसे ही पाठ्यक्रम छोटा और पाठ्यचर्या क्या होती है, बड़ी होती है। इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं कि इसके इसको इसका निर्माण कैसे करते हैं। तो कोई भी चीज़ करते हैं तो आप प्लानिंग करते हैं ना कि बनाना, तो प्लानिंग के अंतर्गत क्या निर्धारित करते हैं, उद्देश्य एवं लक्ष्य। दूसरा इसका क्या होता है, अधिगम अनुभव। फिर आपका क्या होगा, विषय वस्तु चयन। फिर क्या होगा, संगठन एवं समाकलन। फिर क्या करेंगे, मूल्यांकन। अब इसी मूल्यांकन में आपकी प्रतिपुष्टि भी आ जाएगी, हिल्डा टाबा वगैरह जो आप टेलर के थ्योरीज पढ़ते हैं, टेलर और मिलर और हिल्डा टाबा, उसमें देखिए प्रतिपुष्टि यूज़ किया, तो इसी आप इसी मूल्यांकन में उस प्रतिपुष्टि को भी रख सकते हैं कि हाँ हम मूल्यांकन करेंगे कि है कि नहीं। तो जब निर्माणकर्ता जो इसकी क्या कंडीशन है, कोई पॉलिसी मेकर जो होता है वो बनाता है, ऐसे कोई भी हम आप नहीं बना सकते पाठ्यचर्या। हम आप जो अनौपचारिक शिक्षा है उसकी पाठ्यचर्या बना सकते, लेकिन औपचारिक के लिए कोई पॉलिसी मेकर होता है जिसके पास ये मतलब अधिकार हो कि वो बना सके। जैसे शिक्षा विभाग के आपके कोई जो अध्यक्ष होंगे या जो उस कमेटी के मुखिया होंगे वो बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव और जो उसका गोल होता है, मतलब क्या प्राप्त करना है, किस लिए हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं और क्या क्या उसके स्टेप होंगे, वो उद्देश्यों को निर्धारित करना कि पाठ्यक्रम अगर कक्षा 10 का बना तो क्या उद्देश्य होंगे। ऐसे कोठारी कमीशन में कहा गया नेतृत्व जो क्षमता है उसका विकास करना, राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना, तो वो कहीं तो उद्देश्य बने, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम क्या बोलते हैं, पाठ्यचर्या बनाते। दूसरा स्टेप क्या होता है, अधिगम अनुभव। अब हम कलेक्ट करेंगे कौन, अब उद्देश्य तो बना, उससे क्या एक्सपीरियंस कराएंगे, जैसे अधिगम अनुभव कैसे होगा, प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रयोगशाला करवाएंगे, गेमिंग करवाएंगे, ये सब चीज़ें कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस जो प्रत्यक्ष अनुभव बच्चे को दे उस पाठ्यचर्या से जुड़े, उन लर्निंग एक्सपीरियंस का चयन करेंगे हाँ और निर्धारण करेंगे, मतलब कौन से हमें लेने हैं कौन से नहीं। फिर क्या है, विषय वस्तु का चयन एवं निर्धारण करेंगे कि क्या क्या कंटेंट रहेगा। अब इसी विषय वस्तु में ही आपका सिलेबस आएगा ना, इसका चयन और निर्धारण। फिर क्या, उन सारी चीज़ों का हम संगठन करेंगे, पहले इकट्ठा करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे सिस्टमैटिक, क्या पहले क्या बाद में, क्या किस सेमेस्टर में, क्या पहले ईयर में पढ़ाना है, क्या दूसरे ईयर में पढ़ाना है, क्या नाइन्थ में पढ़ाना है, क्या टेंथ में, कौन सी चीज़ उचित है, कौन सी चीज़ अनुचित है। तो पहले उचित अनुचित तो अभी मूल्यांकन में करेंगे, लेकिन हम उसका क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन संगठन करते हैं और सबका समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन आप जानते हैं मैथ्स में भी होता है, वो चीज़ों को क्या करता है, समाकलित कर देता है। तो यहाँ भी हम इंटीग्रेशन करेंगे इन सब चीज़ों का, लर्निंग एक्सपीरियंस और कंटेंट का। अब देखिए, अब ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि क्या हमने जो पाठ्यक्रम बनाया, उद्देश्य बनाया, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सही है कि नहीं, क्या उसमें सुधार हो सकता है, क्या कमियां हैं, क्या इफेक्ट डालेगा। हम प्रतिपुष्टि लेंगे, फीडबैक लेंगे, फिर से उसमें सुधार करेंगे, रिन्यू करेंगे, समय समय पर नई चीज़ें, नवाचारी चीज़ें उसमें बढ़ाएंगे। तो ये आपका जो होता है, ये आपके स्टेप्स होते हैं किसी पाठ्यचर्या के, किसी करिकुलम के निर्माण के। अर्थात इसमें जो कंटेंट जो प्रिंटेड होता है आपका, वो सिलेबस होता है, और बाकी चीज़ें जो आपकी जुड़ जाती हैं आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उन सबको मिला के आपकी पाठ्यचर्या बन जाती है। और यहाँ पे हमें इसी का अध्ययन करने की ज़रूरत है कि ये पाठ्यचर्या का निर्माण कैसे होता है। दूसरा जो बिंदु इसमें आपको अध्ययन करना है वो यह है कि निर्माण तो करेंगे लेकिन किस बेसिस पे, तो विभिन्न आपकी चीज़ें, जैसे अगर आपने सिद्धांत पढ़े होंगे प्रयोजनवाद के, आप प्रयोजनवाद जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें, तो लचीलापन होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, इसमें कौन कौन से आपके स्तंभ होंगे, जैसे आपका एक तो हो गया स्कूल या विद्यालय, पहला स्तंभ हो गया, दूसरा क्या हुआ समाज,
तीसरा क्या हो गया? मानवता। चौथा क्या हो गया आपका? आपका इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे? ज्ञान, कौशल, मूल्य। फिर क्या हो गया? अधिगम, अनुभव या जो कंटेंट है। तो ये आपके कुछ बेसिस होते हैं जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, पाठ्यचर्या का निर्माण। तो स्कूल विद्यालय का जो चीज़ें उसको इन्वॉल्व करना, सामाजिक चीज़ें, मानवता, ज्ञान, कौशल, मूल्य, इन सब का इंक्लूडेशन करना, अधिगम जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उनका इंक्लूडेशन करना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसको ध्यान में आपको रखना और इससे ही सिलेबस निर्माण करना। जैसे लचीलापन हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो, विषय वस्तु केंद्रित तो हो लेकिन बालकों के जो मनोवैज्ञानिकता हो, उसके जो अवस्थाएं हैं, उनके जो सिद्धांत हैं बालक के विकास के, उसको ध्यान में रख के जिस लेवल का बालक हो उस लेवल का होना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों का समावेशन करें, जैसे बहुत सारे लोग इसमें कहा, बहुत सारी कमीशन्स में कहा गया है, और आपके जो मानवतावादी जो हैं उन्होंने जो कहा जो चीज़ें बालक के अंदर किस चीज़ का विकास करना चाहिए, नेतृत्व क्षमता का विकास करना। तो बहुत सारी चीज़ें आप उसको इंक्लूड करके एक अच्छी पाठ्यचर्या का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए आप विभिन्न आप जो सिद्धांत है पढ़ सकते हैं, टेलर का, हिल्डा टाबा, बहुत सारे इसमें क्यूरिकुलम के सिद्धांत, लेकिन बेसिक जो आपका सिलेबस और क्यूरिकुलम है वो यही है। अगर आप इतना समझ गए तो आपको आगे पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और भी जो पॉइंट्स आपको दिक्कत कर रहे हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल लीजिएगा। रही बात आपने कल क्लासेस के बारे में पूछा था, तो क्लासेस का जो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें ये सोचा है कि अगर आप चाहेंगे तो हम नेट फर्स्ट पेपर का क्रैक कोर्स चलाएंगे 15 दिन का, 15 दिन में आपका कवर अप करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी मिड मई में हमने सोचा हुआ है। अभी कुछ डिफ़िकल्टी हम लोग के साथ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप स्वतंत्र हैं अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन याद रखिए आपके क्या बोलने से सामने वाले को कैसा फील होता है, इसका ज़रूर ध्यान रखा करिए। लेकिन आपके एक अपशब्द कहने से हम लोग नहीं रुक सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की हम आशाएं हैं, और अगर हमने छोड़ दी आशाएं तो शायद बहुत सारे लोग निराश हो जाएंगे। और हाँ ठीक है, अगर 1000 लोग देख रहे हैं उसमें से 999 लोग भी हम लोगों को गाली देंगे, तो अगर एक बच्चा भी पढ़ा है तो हमको, हम प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि हमको उनको मटेरियल प्रोवाइड करना है और हम करते रहेंगे। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोलिए, और हम भी स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस आपके हित में हम करेंगे। तो आप भी इसका ध्यान रखिए, तो बोलते समय, क्योंकि शिक्षक बनने जा रहे हैं जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने अंदर शिक्षक का एक तो पॉइंट गुण लाना शुरू कर दीजिए। सबके लिए नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत ही मतलब मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं आपके अपवाद जिसकी वजह से एक बार हम सोच में पड़ जाते हैं कि वीडियो डालें कि न डालें। तो ठीक है, आप अध्ययन करते रहिए, और भी जो पॉइंट्स हैं आप यहाँ पर हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।